गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने कहा कि मुस्लिम समाज के पवित्र माह रमजान को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं से वार्ता कर ली गई है। एडीजी दावा शेरपा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसी को भी उसका उल्लंघन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कहीं भी जमात लगाकर या भीड़ इकट्ठा कर त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं रहेगी। पूर्व त्योहारों की भांति जैसे होली, नवरात्रि सहित अन्य त्यौहार संपन्न कराए गए हैं, उसी तरह रमजान माह को भी संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने कहा, देखिए पुलिस की ओर से सभी आयोजकों को विशेषकर जो जहां नमाज पढ़े जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं उन लोगों से और धर्मगुरुओं से बातचीत कर ली गई है। इसलिए जो सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने की जो पुरानी हमारे यहाँ व्यवस्था परंपराएं थी वो तो नहीं होगी, क्योंकि लॉकडाउन में किसी को भी घर से बाहर निकल के एकत्रित होने का अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इसलिए जो भी नमाज इत्यादि पढ़नी है वो घरों में ही पढ़नी है। इस रमज़ान के दौरान जो खाने पीने की जो सामान इत्यादि की खरीदारी इत्यादि है उसको भी बहुत ही नियंत्रित ढंग से और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इसका खरीद बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ में जहां पर जो कोरोना से अभी भी संक्रमित इलाके हैं और विशेषकर जो हॉटस्पॉट हैं वहां ऐसे सभी सामग्री होम डिलीवरी में घर में पहुंचाया जाएगा। इसलिए जो रमज़ान के महीने जैसे हमने पहले आपने देखा होगा होली में या उसके बाद नवरात्र के समय जिस प्रकार से हमने व्यवस्था करी है लगभग वही व्यवस्था लॉकडाउन के सारे नियमों को पालन करते हुए रमज़ान में भी पुलिस के द्वारा की जाएगी। इसके लिए सभी लोगों को निर्देश दिए गए, पुलिस के विभिन्न स्तर के अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की है, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बातचीत करके ये बता दिया गया है।